अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के करम से हम लोग भी ठीक ठाक हैं। आज हम बना रहे हैं करेले और मुर्गी। तो अगले दिन हमने बनाए थे तो हमारे घर वालों ने बहुत पसंद किए, बहुत मज़ेदार बने थे। तो आज फिर मैं बना रही हूँ, लेकिन इनको मैंने सुबह दोपहर को नमक लगा के अच्छी तरह धो के फ्रीज़र में रख दिया था। अभी मैं फ्रीज़र से निकाल के लाई हूँ इनको, तो ये काफ़ी ठंडे हो चुके हैं। मैंने अभी ये ऑयल चढ़ा दिया, अब हम इनको करेंगे फ्राई। फ्राई करके फिर मसाला बना के इंशाल्लाह फिर मुर्गी बनाएंगे और आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो करेले हमारे ब्राउन हो रहे हैं, अभी बस होना शुरू हो गए। करेले हमारे हो गए ब्राउन, हम इनको निकाल लेते हैं। अभी प्याज ब्राउन कर लेते हैं। जी अंधेरा हो चुका है बहुत, तो ये थोड़े से प्याज मैंने ब्राउन कर लिए। अब मैं बनाऊंगी मसाला। थोड़े से प्याज मैंने छोड़ दिए, इसी के अंदर बना लूंगी मसाला इसका। ये जी प्याज, अदरक, लहसुन अदरक, थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं इसमें। भी डाल देते हैं मुर्गी भी, इसी के अंदर फ्राई कर लेंगे। बाकी मसाले डाल देते हैं इसके अंदर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची और धनिया पाउडर। नहीं परान ज़्यादा बचते, तो आज हम फिर तंदूर से रोटियां लगवाएंगे।
पेड़े बना के देंगे, कुरान लगवा के ले आएगा। तो जी अभी हम लोग ये करेले और प्याज भी डाल देते हैं साथ। अब ये पकेंगे हल्के चूल्हे पे, आग वैसे भी बहुत हल्की हल्की है, तो हम अब इसको दम पे रख देंगे। तो जी हमारा सालन हो गया तैयार, अभी हम लोग उसको नीचे उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाह,
तो जी ये थी हमारी रेसिपी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भट्टी फैमिली ब्लॉग्स को ज़्यादा देखा करें, और आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। और अभी हमें दे इजाज़त, बहुत अंधेरा हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।